हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ चंद्रा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हेक्सागोनल नट बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से हम किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हेक्सागोनल नट को किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो इसकी डायमेंशन है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर जो डी बराबर मैंने लिया है वो 40 mm लिया हुआ है। इसका जो अक्रॉस कॉर्नर होता है वो होता है 2D। तो 2D यहाँ पे डी हमारा 40 mm है, तो 2D अगर जो हो जाएगा तो ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, 80 mm हो गया है। अक्रॉस फ्लैट जो है वो है 1.5D+4। तो यहाँ पे 1.5D को जो है 1.5 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँगी, जितना आएगा 60 आएगा, 60 में प्लस 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ इसकी जो हाइट है, जो आपका हेक्सागोनल नट है उसकी जो हाइट होती है, वो हाइट ऑफ नट जो है वो यहाँ पे 0.9D to D होती है। तो 0.9D जो है यहाँ पे D to D है। तो यहाँ पे मैंने 40 mm ले लिया है और ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ चैम्फर वो है 1.2D। तो 1.2 को हम अगर जो डी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 48 mm निकल कर आएगा। इसका जो चैम्फर होता है, चैम्फर ऑफ टॉप, वो 30 डिग्री पे होता है इसका चैम्फर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फ्रंट बनाएंगे, सबसे पहले फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट में ये क्या दिया हुआ था, फ्रंट में हमको मिलेगा अक्रॉस कॉर्नर। तो अक्रॉस कॉर्नर है हमारा 80 mm है, तो यहाँ पे हम 80 mm ले लेंगे। इस तरीके से एक ब्लॉक बना लेंगे 80 mm का। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एक ब्लॉक ले लिया है। ये जो अक्रॉस कॉर्नर की जो दूरी थी 80 mm, तो मैंने यहाँ पे 80 mm ले लिया है। एक लंबाई इसकी 80 mm है और इसकी जो हाइट है, नट की जो हाइट है वो 40 mm है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका सेंटर लाइन डालेंगे इस पर। तो 80 का ये 40 mm हो गया है, मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरीके से सेंटर लाइन डालने के बाद क्या करना है, सेंटर ये जो डायमीटर है ये 40 mm है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन फिर से डाल दी है ये 40 mm पे, क्योंकि अक्रॉस कॉर्नर हमारा कितना है, अक्रॉस कॉर्नर 80 mm है। तो ये जो बीच का निकल के आया है, ये जो डी है हमारा 40 mm हो गया, 20 mm इधर हो गया है, ये आपका D/2 हो गया और ये भी आपका D/2 हो गया है। अब देखते हैं इसका टॉप किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये जो कर्व है, जो भी कोई नट होता है उसका जो कर्व होता है, ये जो यहाँ पे दिखाया था मैंने अभी, रेडियस ऑफ चैम्फर, चैम्फर कितना है 40 mm था। तो 40 mm के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 40 mm की दूरी, 48 mm की जो दूरी है वो लेंगे। जहाँ पर भी आएगा ये कुछ इसके नीचे आएगा, जहाँ पर भी आता है आप वहाँ से इस पर आर्क डालेंगे जिस तरीके से आपको बनाना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मैं इसके सेंटर से, यहाँ से ये जो दूरी मैंने ली है 48 mm लिया है और इसके मिड पॉइंट पर रखते हैं इस तरीके से कंपास को, और जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे इस तरीके से इसको गिरा देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपका फ्रंट है स्क्वायर हेक्सागोनल नट का, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब इधर का जो आर्क बनेगा वो देखते हैं किस तरीके से बनेगा, उसको बनाने के लिए हमें प्रोसेस करना है। फ्रेंड्स, ये जो दो लाइंस हैं, ये आपकी जो दो लाइंस हैं आपकी, ये D/2 है आपका, जो डी था उसका हाफ हाफ है, 20 mm इधर है, 20 mm इधर है। तो अब देखते हैं इसका जो आर्क है वो किस तरीके से बनाते हैं। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने आर्क लगाया है यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बहुत हल्की लाइन ड्रॉ करना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। और इसके बाद जो आपने ये सेंटर लाइन निकाला है, जो सेंटर है यहाँ से एक आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है, इसके स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, तो इसको आप कंपास की सहायता से दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो इधर का कर्व बनाना है उसको किस तरीके से हमको उसकी दूरी निकालनी है। ये जो दोनों कॉर्नर थे इनको इस तरीके से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ किया, इन दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ किया। इसका जो मिड पॉइंट था, इस मिड पॉइंट से मैंने इस पर एक स्लैंट लाइन डाली, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया और इन दोनों को मिलाएंगे। तो इस सेंटर लाइन पर जहाँ पर भी कट होगा वहीं से हम इसको पॉइंट लेंगे। तो आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पे कट हो रहा है, तो यहाँ से हम एक अपने कंपास में दूरी भरेंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से कंपास की सहायता से ये आर्क बना लिया है। ये जो सेंटर लाइन थी, सेंटर लाइन पे जो मिड पॉइंट मिला था वहाँ से हमको ने इस तरीके से आर्क बना लिया। सेम प्रोसेस इधर भी करना है, तो मैंने दोनों तरफ सेम प्रोसेस किया था। अब इसकी डायमेंशन दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो फ्रंट था, फ्रंट जो हेक्सागोनल नट का जो फ्रंट है वो इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। एक तो फ्रेंड्स, अब हम टॉप की बात करते हैं, टॉप बनाते हैं। तो टॉप के लिए हमें पता होना चाहिए
अक्रॉस फ्लैट, तो अक्रॉस फ्लैट हमारा कितना था, अक्रॉस फ्लैट हमारा 64 था, मतलब इसकी जो हाइट ऊपर की होगी तो ये चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, 64 mm होगी। तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं 64 mm का इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने इसकी चौड़ाई ली थी कितनी ली थी, अक्रॉस फ्लैट की ली थी 64 mm, यहाँ से ये इसकी जो दूरी है 64 mm है। लंबाई इसकी अक्रॉस कॉर्नर की है 80 mm है। इसका मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया है, तो ये मिड पॉइंट पे 32 mm पे ये मैंने सेंटर लाइन डाली है। इसके बाद जो ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है 40 mm पे है, क्योंकि डी बराबर आपका कितना है 40 mm में। मैंने एक यहाँ पे 40 mm की लाइन ड्रॉ की, उसी तरीके से ऊपर भी मैंने 40 mm की लाइन ड्रॉ कर ली। अभी जो सेंटर लाइन है इसको मैं इस तरीके से मिला दूंगी, तो ये आपका जो हेक्सागोनल है छह भुज की जो भुजा वाला जो आकार है, जब टॉप से जैसे देखते हैं तो बनता है इस तरीके से, ये बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हेक्सागोनल की जो भुजाओं का जो आकार है वो बनके तैयार हो गया। हम यहाँ पे अपने कंपास को रखेंगे और एक दूरी लेंगे, कोई भी एक दूरी ले लेंगे और एक सर्कल बनाते हुए हम बना देंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से सर्कल बन गए हैं। अब ये जो अंदर का सर्कल जो डी बराबर है, डी बराबर 40 mm है, मैंने 40 mm की दूरी भर के एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है पूरा। तो मैंने 20 mm की दूरी ली थी कंपास में, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो दूसरा सर्कल है, ये मैंने जो इसकी जो आपका नट होता है उसके अंदर चूड़ियाँ कटी होती है, तो उसका जो चूड़ी कटा होता है उसका जो सिंबल होता है वो थोड़ा सा खुला होता है बाहर की ओर। तो आप इस तरीके से उसको जब दूसरा सर्कल बनाएंगे उसको इस तरीके से थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे, इससे पता चलेगा कि इसमें टैपिंग हुई है, इसमें चूड़ियाँ कटी हुई हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टॉप बन के तैयार हो गया है। अब हम बात करते हैं साइड की, किस साइड हमें किस तरीके से दिखेगा, तो देखते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से बनाते हैं इसको। ये जो मैंने दूरी ली है ये कितनी है हमारी, ये हमारी अक्रॉस फ्लैट है। अक्रॉस फ्लैट जो हमारा है वो 1.5D प्लस 4 है, तो 1.5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, ये प्लस 4 64 हो जाएगा। तो मैंने एक ब्लॉक बना लिया है 64 mm का, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने के बाद जो आर्क बनाया है, आर्क देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ से बनाते हैं। इस आर्क को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपने डिवाइड किया हुआ है इसको भी हम दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो ये 64 का था, मैंने इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया हुआ था, 32 पे आया था। अब 32 को भी हम दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो 16 पे आ जाएगा। एक सेंटर लाइन डालेंगे इस तरीके से यहाँ पे, तो ये सेंटर लाइन मैंने बनाई। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसका जो रेडियस होता है ये होता है 0.95D। तो 0.95D जहाँ पर भी कहीं आता है इस तरीके से आप कुछ ये, क्योंकि ये 40 mm का है तो ये 38 के लगभग आएगा, तो ये यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिला था 38 mm पे। तो 0.95D जो आप D से मल्टीप्लाई करेंगे 0.95 को, तो जितना आएगा वहाँ से आप एक सर्कल बनाएंगे, ये आप आर्क लेंगे इस तरीके से। तो जो R बराबर है ये कितना है 0.95D, इस तरीके से सेम प्रोसेस हम इधर भी करेंगे। तो दोनों तरफ से ये हमारा जो आर्क है ये इस तरीके से मिल जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारी साइड भी बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप हेक्सागोनल नट को बना सकते हैं। इसकी डायमेंशंस को थोड़ा सा अच्छे से मेजरमेंट करना होता है, अदरवाइज़ इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है। तो फ्रेंड्स अगर जो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।